क्या? नहीं ठीक है, बाय। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज है अपना डे टू। कल रात को अपन निकले थे इंदौर से दिल्ली के लिए, और अभी अपन दिल्ली से निकल रहे हैं मनाली की ओर। और अभी भी मैंने अपना टाइम सेट नहीं कर पाया, तो अभी अपन जो है पेट्रोल डाल देंगे। पहले रिज़र्व हो चुकी है गाड़ी, और जैसे कि कल की बात बताऊँ तो कल आते समय इतना कुछ हुआ नहीं था, बाकी तकलीफ तो कुछ नहीं होता। मैं अभी फ्रेश हुआ आया, दो चार घंटे सोया लगभग, खाना वाना खाया, तो अभी फ्रेश हूँ। रात भर अपन और टाइट है एकदम बिंदास चलने के लिए, तो देखते हैं मनाली तक में अपने को क्या क्या देखने को मिलता है, कैसा क्या है रास्ता, पानी आता है। अभी अपन जब आया है इंदौर से दिल्ली तो पानी तो अपने को लगा नहीं, अब मनाली तक देखते हैं। पानी का तो कोई दिक्कत ही नहीं बोलना, अपन पूरे पैक है, बट फिर भी रहता है कि पानी ना आए तो ज़्यादा सही, विजिबिलिटी अच्छी रहती है। तो आते आते अपना एक लाइट जो हो गया था ढीला, अभी उसको मैंने टाइट किया, नया नट लगाया और एम सील से पक्का कर दिया। भाई HJG वालों, जब जो भी आज लाइट बनाता है वो फॉग वॉग कुछ करके फ्रॉग वाले भाई, थोड़ा सा उसके ऊपर भी ध्यान दो यार कि फिट कैसे रहे वो लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब साला 1000 किलोमीटर चले नहीं, 500 किलोमीटर में तुम्हारे नट निकल जा रहे हैं, कितना टाइट करेगा बंदा। तो बस यही एक विनती है कि थोड़ा सा उसकी फिटिंग पे भी ध्यान दो। लाइट तो इतने महंगे महंगे देते ही हो, लाइट की तो कोई भी बोल ही नहीं सकते, लाइट तो एक नंबर है। तो बाकी दिल्ली में भाई बहुत गर्म लग रहा है, बहुत ह्यूमिडिटी है। मैं मतलब आया दिल्ली, और दिल्ली से मेरे को अपने लोकेशन पे जाने को 1.5 घंटा लगा, 1.5 घंटा। और अभी पता नहीं दिल्ली से बाहर निकलने में कितना टाइम लगा, बल्कि अपन देखो चलो इसी साइड है, इसी साइड आना था। बाकी मेरी बताओ सिर्फ एक चीज़ में फट रही है दिल्ली में। मैं आया तो मैंने एक जगह देखा था कि प्रेशर हॉर्न इज प्रोहिबिटेड, तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं मुझे पुलिस इतना पकड़ ले और मेरे हॉर्न ना निकलवा ले। तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो देखने में मज़ा आ रहा होगा। अभी नहीं आएगा, अभी रुक जाओ, मनाली हो जान दो, मनाली के बाद से देखना। मतलब अभी तो देखो, बट मनाली के बाद से और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप बरकरार रहिए, देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए कि इस लोकेशन इस टाइम पे यदि जाते तो क्या क्या देखने को मिलता, क्या वेदर रहता, क्या सिचुएशन रहता। और मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो जो अब तक गया नहीं है, फर्स्ट टाइम जाने का सोच रहा है, तो उसके साथ भी जरूर शेयर करिए कि भाई क्या क्या एक्सपीरियंस करने को मिलता है, क्या नहीं। मेरे को भी अभी पता नहीं है कि वहाँ जाने के बाद क्या सिचुएशन बनती है, क्या क्या मांगते हैं। मतलब बाइक भी अपनी खुद की है, तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, RTO ऑफिस में क्या दिक्कत आती है, देखते हैं। बाकी मज़ा आ रहा है, चेतक भी अपना पूरा साथ दे रहा है। कल इतने जन से टक्कर हुई वो जानवर से, बट चेतक हिला तक के नहीं भाई, हिला तक के नहीं। मतलब लगभग 100-110 प्लस थी कंट्रोल कर, मतलब 120 थी, बट कंट्रोल करते करते 100 हो गई। और 100 के बाद वो लेग गार्ड भी इतने जम से, मतलब लेग गार्ड समझ रहे हो, वो इतना मजबूत लेग गार्ड बेंड हो गया, तो कितने जम से हिट हुई है वो गाड़ी, हल्की सी ऐसी हुई है सिर्फ, हल्की सी। मतलब लगा ही नहीं भाई कि इतने बड़े जानवर को उसको टक्कर मार के फेंक दिया। भाई चेतक आपकी दुआएं हमेशा बरकरार रहे हमारे ऊपर, लव यू माय चेतक। A few moments later, प्लान कर रहा हूँ, रुक जा। अरे अंदर ने भाई दिखाई नहीं ना, तू एकदम चिपक के चल रहा था भाई। अरे भाई इंडिकेटर मैंने भी आपने दिया है, गलती हो गई, सॉरी सॉरी भाई। भाई गाली मत दे यार भाई, भाई की काय को गाली दे रहे हो यार, मैं सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ भाई, गलती हो गई भाई, गलती हो गई, बोल रहा हूँ, गाली क्यों दे रहे हो भाई, गलती सॉरी बोल रहे हो ना भाई, जान बुझ के थोड़ी ना करूंगा मैं भी इतनी दूर से आ रहा हूँ भाई, गाली क्यों दे रहे हो यार, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, पेड़ पड़ी तुम्हारे। अरे मनाली जा रहे इंदौर से, मैं तो इतने अच्छे से चलाता हूँ यार, मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ। अरे चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। किसके मुंह लड़ेंगे, सॉरी बोल दो खत्म। आजकल तो अपन ने यही सीखा है, क्योंकि अपने रूड व्यवहार के कारण सब रिलेशन खराब हो जा रहे हैं। खून खुलाना नहीं, इतनी दूर आया है कि यही लपेसन में पड़े रहेंगे तो हो गया काम, जो है करना है। मूड खराब करके क्या ही मतलब करेंगे।
पास में चिपक के इंडिकेटर कहाँ दिखेगा, मैं भी तो इंडिकेटर ही दे रहा हूँ और दिखा तो नहीं। चलो ठीक है, आगे से हो गया, पीछे सामान है, पीछे का सामान टिक गया उसको, वो खुद ही कैसे हो रहा है वो पता नहीं, पाते क्या है साला। भाई गलती हो गई सॉरी, तेरे साइड से भी मेरे साइड से भी हुई, बात खत्म। नहीं बात का बतंगड़ बनाना है, ऐसी तैसी करवाना है भाई, कहाँ से जाऊँ मैं।